त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति टूटने की घटना के बाद अब लेफ्ट के नेताओं ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। इधर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरएसएस को दंगा करवाने वाली पार्टी कहकर एक नए बहस को जन्म दिया है। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद अब इस मुद्दे को लेकर लेफ्ट हमलावर हो गया। लेफ्ट के नेता अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके की परिस्थिति जानबूझकर बीजेपी पूरे देश में पैदा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ये कहा कि आरएसएस दंगा फैलाने की देश में कोशिश कर रही है और जो लोग सही जानकारी देंगे, बंगाल में इस तरीके की जानकारी अगर कोई व्यक्ति लेकर सरकार के पास आता है कि कहाँ पर इस तरीके के असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी तक दी जाएगी। जिस तरीके की हिंसा त्रिपुरा में हुई है उसको लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए और एनडीए के नेता फिलहाल इस पूरे मसले को तवज्जो नहीं देना चाहते क्योंकि उत्तर पूर्व में हुई जीत को वो देश में बहस का बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। मेघालय में कोनराड संगमा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिरकत की। कोनराड संगमा ने शपथ लेने के बाद कहा कि हमारा एजेंडा राज्य में अच्छी सरकार देना है, कई सेक्टरों में सुधार करना असली चुनौती है, हमारा काम आज से ही शुरू हो रहा है और हम प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। वहीं बीजेपी के हेमंत बिस्वा ने कहा कि कोनराड संगमा राज्य के सीएम होंगे, नई सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। गठबंधन में शामिल दलों के हर दो विधायकों में से एक विधायक सरकार का हिस्सा होगा, ऐसे में बीजेपी का भी एक विधायक सरकार का हिस्सा है। मेघालय में भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो लेकिन सत्ता पर एनडीए विराजमान हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस को अब विपक्ष की भूमिका ही वहां निभानी होगी। प्रोड्यूसर राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी नहीं हुआ कामकाज। विपक्षी हंगामे के चलते राज्यसभा हुई बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले इसको सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, उसके बाद शुरू होने पर 2 बजे तक के लिए स्थगन किया गया, लेकिन उसके बाद सदन की कार्रवाई 3:30 बजे शुरू हुई और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद परिसर में विरोध और सदन के अंदर हंगामे के बीच कई नई राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा में आने वाले दिन में सत्ता पक्ष को सदन चलाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया रिश्वत कांड मामले में आज ईडी आर्थर रोड जेल में बंद पीटर मुखर्जी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी ने सोमवार को ही पीटर मुखर्जी के बयान को दर्ज करने संबंधी परमिशन सीबीआई कोर्ट से ले लिया था, जिसके बाद आज सुबह लगभग 11 बजे ईडी के 2 अधिकारियों की टीम मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंची और पीटर मुखर्जी का बयान दर्ज कर रही है। सूत्र बताते हैं कि यदि ईडी पीटर के बयानों से संतुष्ट नहीं हुई तो एजेंसी पीटर मुखर्जी और कार्तिक चिदंबरम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। गुजरात में भावनगर राजकोट रोड पर बारातियों से भरा एक ट्रक नाले में गिरने की वजह से 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात सरकार ने सभी मृतकों को 4 लाख का मुआवजा दिया है। हादसा भावनगर राजकोट हाईवे पर रंडोला गांव के पास हुआ, जहां बारातियों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर नाले में गिर गया। इस हादसे में अभी तक 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भावनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया है। इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दुल्हा दुल्हन को नहीं दी गई और दोनों की शादी करवाई गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कुछ लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है, जिसके चलते इस घटना में मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। नेशनल हाईवे 1 पर करनाल के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। अमृतसर से दिल्ली जा रही कार अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें कार और ट्रक में दोनों में आग लग गई। आग लगने के कारण कार चालक, उसकी पत्नी और 7 महीने की बेटी और उसकी सास जिंदा जल गए। ट्रक भी बुरी तरह से जल गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के हरिनगर निवासी संचित चोपड़ा, उनकी पत्नी भावना चोपड़ा, 7 महीने की बेटी तुषरिका और सास निशा भोला अमृतसर से दिल्ली आ रहे थे। आग से ट्रक चालक की जान बच गई।
ट्रक चालक किसी तरह जान बचाकर ट्रक से बाहर निकला, लेकिन ट्रक आग से पूरी तरह से जल गया। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। दिल्ली के एक डॉक्टर ने बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों को गिरफ्तार करवा दिया। ये लुटेरे डॉक्टर को हथियार के जोर पर लूटकर फरार होना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनका पीछा किया और अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर पंकज शर्मा दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार को वो अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी दो बाइक सवार उनके पास आए और हथियार के जोर पर उनका सोने का लॉकेट और पैसे लेकर फरार हो गए। इसके बाद से डॉक्टर पंकज अपनी कार में बैठे और लगभग 2 किलोमीटर तक उन लुटेरों का पीछा किया और एक हॉस्पिटल के पास जाकर उन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। गिरफ्तार दोनों लुटेरे सगे भाई हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिल्ली में वो दोनों एक साथ लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन डॉक्टर की बहादुरी की वजह से इस बार वो पकड़े गए। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। अमरनाथ यात्रा, श्राइन बोर्ड ने इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर ये है कि 10 साल में पहली बार ये यात्रा 60 दिनों की होने वाली है। 1 मार्च से पूरे देश में अलग अलग बैंक्स में ये पंजीकरण किया जा रहा है। इस साल यात्रा 28 जून से 26 अगस्त तक होने वाली है। पिछले साल अमरनाथ यात्रा को सिमटाकर 40 दिन का कर दिया गया था, लेकिन इस बार बाबा के भक्त 2 महीने में कभी भी बाबा के दर्शन कर सकेंगे। अलबत्ता इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार देश भर में 310 पंजाब नेशनल बैंक, 89 जम्मू कश्मीर बैंक और 41 येस बैंक में काउंटर बनाए हैं। वहीं पिछले साल अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के मद्देनजर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का रॉकस्टार लुक सामने आया है। इंदौर में बजरबट्टू समारोह के दौरान कैलाश रॉकस्टार के बतौर नजर आए। मध्य प्रदेश की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं। इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर निकाली जाने वाली बजरबट्टू शोभा यात्रा में कैलाश रॉकस्टार बने हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय बाकायदा अपने हाथ में गिटार लिए हुए थे और किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह ही नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में होली के त्यौहार पर हर साल बजरबट्टू शोभा यात्रा निकाली जाती है और कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले बाहुबली और सचिन तेंदुलकर के गेटअप में नजर आ चुके हैं। इस साल उनका रॉकस्टार लुक खासी सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। अर्जुन कपूर ने एक कोट शेयर किया है जिससे साफ पता लग रहा है कि अर्जुन कपूर इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। श्रीदेवी के निधन के बाद हर मुश्किल घड़ी में अर्जुन कपूर परिवार के साथ नजर आए। अर्जुन कपूर ने जो कोट शेयर किया है उसका मतलब है, आप बहादुर हैं क्योंकि जीवन आपको हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन आपको हमेशा खुद को उठाना पड़ता है और जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ते हैं। इस कोट के नीचे कैनेडाई रैपर ड्रेक का नाम है जिसे अर्जुन कपूर ने रीशेयर किया है। श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दुख की इस घड़ी में अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर और स्टेप सिस्टर्स जाह्नवी और खुशी के साथ खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सारा, न्यूज नेशन, दिल्ली।